हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड में इतिहास रच दिया है। पांचवा T20 भी भारत ने जीत लिया है, 7 रन से पांचवा T20 जीत लिया और इसी के साथ सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया टीम इंडिया ने। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी आपको भारतीय गेंदबाजों की। कपिल देव हमारे साथ हैं, ये कहेंगे कि कितनी बड़ी जीत है ये टीम इंडिया के लिए। सारा क्रेडिट गेंदबाजों की तरफ, आई थिंक टीम के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, सबने मिलजुल के T20 का मैच खेला है और बड़ी बात इसलिए लगती है कि न्यूजीलैंड में ऐसे कभी कोई टीम कर नहीं पाई और करना बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ही बेहतरीन टीम है। इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर 5 मैचेस लगातार जीतना अच्छा है। जहाँ बल्लेबाजों की ज़रूरत थी बल्लेबाजों ने रन की, जहाँ पर गेंदबाजों की ज़रूरत थी आकर वापसी की, और शायद फील्डिंग का भी आप तारीफ कर सकते हैं कि फील्डिंग भी देखने को मिली कि अच्छी और बेहतर हो सकती है। जी हाँ, बॉल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस टीम इंडिया का। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर इस पूरे सीरीज में 2 बार सुपर ओवर हुआ जिसपे भारत की जीत हुई और एक बार फिर आज हाफ टाइम पे यानी कि 10 ओवर मार्क पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत आसानी से ये मैच जीत लेगी, लेकिन उसके बाद फिर से वापस आए जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी करी, नवदीप सैनी, इन तीनों ही गेंदबाजों ने यहां पर टीम इंडिया की वापसी कराई। और युजवेंद्र चहल ने विकेट भले ही नहीं लिया हो लेकिन उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी यहां पर। पाजी, देखिए, अगर आपको जीतना है कोई मैच भी तो आपको विकेट लेने बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने रन नहीं दिए, अगर विकेट लेंगे अगले बल्लेबाज को उतना ही प्रेशर आएगा। तो इसलिए बुमराह की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रन भी नहीं दिए और विकेट भी ले रहे थे। मैं ये मानता हूं कि अभी जो रिसेंट टाइम में जो जीत मिल रही है या जो अच्छी क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है वो गेंदबाजों के बदौलत। बल्लेबाजों ने हमेशा अपना काम किया लेकिन कभी गेंदबाजों ने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की, इसलिए मिला जुला कर गेंदबाजों की मैं ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने गेंदबाजों की तारीफ जो है कपिल पाजी ने बार बार करी, लेकिन आज इस मैच के 2 कप्तानों की तारीफ भी जरूर करनी पड़ेगी। मैं 2 कप्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के मैच के ऑफिशियल कप्तान थे रोहित शर्मा। 60 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली, ओपनिंग पर नहीं आए, नंबर 3 पर खेले रोहित शर्मा। और उसके बाद टीम इंडिया के दूसरे कप्तान थे केएल राहुल। जब टीम इंडिया फील्डिंग कर रही थी तो केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे, पहली बार वो टीम इंडिया के कप्तान बने क्योंकि रोहित चोटिल हो गए थे। 60 रन उन्होंने बनाए, उसके बाद वो चोटिल हुए, 60 रन बनाए यहां पर रोहित शर्मा ने। उसके बाद 17वें ओवर में उन्होंने काफ इंजरी उनको हो गई जिसके चलते वो फील्ड में वहां से रिटायर हुए, उसके बाद फील्डिंग करने के लिए भी नहीं आए, जिसके बाद कप्तानी संभाली पहली बार केएल राहुल ने। वो केएल राहुल जो इस सीरीज में कभी ओपनर कभी मिडल ऑर्डर विकेट कीपर थ्रू आउट और अब टीम इंडिया के कप्तान भी, लेकिन बल्लेबाजी उनकी बेहतरीन रही पूरे सीरीज के दौरान। एक नजर डाल लेते हैं केएल राहुल के 45 रन की पारी पर। हम आपको दिखाएंगे केएल राहुल की पारी भी 45 रन की, लेकिन पाजी यहां पर इस पूरे सीरीज में सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर केएल राहुल, ओपनर मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर, एक अच्छे कप्तान भी। और ये नहीं कह सकते कि शायद वो विकेट कीपिंग का थोड़ा सा एडवांटेज मिला कि हाँ उनकी पोजीशन बन गई है, लेकिन मैन ऑफ ऑल सीजन, आपने जहाँ पर भी आपको बल्लेबाजी का मौका मिला आपने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद जाते जाते उन्होंने अपनी कप्तानी की भी झलक दिखाई है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मैच हाथ से निकल गया लेकिन फिर अपनी कप्तानी के बलबूते पे, एक अच्छी सोच के बलबूते पे सही जगह पर गेंदबाजों को वापस लाए और मैच जीता। तो राहुल की तारीफ होनी चाहिए और जितनी भी करें वो कम है। राहुल की तारीफ तो बिल्कुल यहां पर करनी ही चाहिए। कपिल पाजी मेरे साथ हैं, कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन रोहित की इंजरी इस समय पर जो है वो एक अपने आप में एक चिंता की बात है। पाजी, कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंतल, क्या कोई अपडेट मिला आपको रोहित शर्मा की इंजरी पे कि कितनी सीरियस इंजरी है, क्या वो वनडे का हिस्सा रह पाएंगे, कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, फिलहाल तो टीम का जो फिजियो है और जो डॉक्टर्स है वो जरूर देख रहे हैं कि किस तरह का इंजरी है, इसके आगे कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जैसे ही कल वो उनका रिपोर्ट, सारे रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएगा तो फिर तय होगा कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड में जो फिलहाल है, जो भारतीय पत्रकार कवर कर रही है सीरीज और बाकी कुछ सोर्सेज, उनका कहना है कि देखकर ऐसा नहीं लगा कि रोहित शर्मा पूरे सीरीज के लिए रूल आउट हो सकते हैं। वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं है, लेकिन कल जो मेडिकल रिपोर्ट्स जब आएगा तब और ज़्यादा पता चलेगा कि
क्या हाल है रोहित शर्मा का, और फिलहाल कुछ ही देर में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आ जाएंगे भारतीय खिलाड़ी, तब वो क्या कह रहा है वो भी सुनना है, क्योंकि पहले बार कोई भी बाइलैटरल सीरीज में, पांच मैचों का बाइलैटरल सीरीज में 5-0 का स्कोर लाइन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से एक डोमिनेंस दिखाना, वो भी इसी साल T20 विश्व कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, और उस साल का शुरुआत इस तरह से करना, भारतीय टीम लाजवाब परफॉर्मेंस। जी हाँ बिल्कुल कुंतल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल की पहली सीरीज में भारत ने 5-0 से इतिहास रचा न्यूजीलैंड में। लेकिन पाजी अब सबसे बड़ा सवाल ये, ऑप्शंस टीम इंडिया के पास बहुत ज्यादा हैं, बिना शिखर के, बिना विराट के, बिना दीपक चाहर के, बिना हार्दिक पांड्या के टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। T20 वर्ल्ड कप इसी साल अक्टूबर में है, कैसी लग रही है आपको टीम इंडिया की तैयारी? देखिए बहुत बढ़िया, और उसके बीच में लड़कों को मौका भी मिल जाएगा IPL खेलने का, तब भी थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं या कमियां जो अपनी दूर कर सकते हैं। अगर आप 5 मैचेस की सीरीज जीत के आते हैं और आपके कुछ खास प्लेयर जो नहीं खेल रहे वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, कि ऐसी टीम है आपके पास कि कोई भी प्लेयर खेले वो अपने आप का काबिल समझता है कि मैं इस टीम में रह सकता हूं, तो एक अच्छी शुरुआत नए साल की, और उम्मीद करते हैं कि जब वर्ल्ड कप आएगा T20 का तो और भी बेहतर बन जाएगी ये टीम। आपको बता दें कि 5वां T20 भारत ने 7 रन से जीत लिया है, 5 मैच की T20 सीरीज भारत ने 5-0 से जीती है। और एक्सपेरिमेंट्स की बात यहां पर पाजी बार बार कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था संजू सैमसन, उनको ओपनर खिलाया रोहित शर्मा और KL राहुल के होते हुए भी। संजू सैमसन का कितना रोल देखते हैं अब इस टीम में, क्या सही है कि ऋषभ पंत, जो कि एक बार ये कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत से बढ़िया T20 के लिए टीम इंडिया के पास खिलाड़ी नहीं है, धोनी के वो सक्सेसर हैं, आज वो टीम के बाहर बैठकर पानी पिला रहे हैं? कोई बात नहीं, देखिए कभी कभी वो पानी पिला रहे हैं, कभी कभी दूसरे लोग भी पानी पिलाएंगे, लेकिन आप टीम जब बनाते हैं तो देखते हैं कि संजू सैमसन को मौका दिया तो पूरा दिया। अच्छा ये लग रहा है सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट के ऊपर, ये नहीं कि एक मैच दिया आप फेल हुए तो बाहर निकाल दिया, आपने पूरा मौका दीजिए प्लेयर को, अगर वो प्लेयर उसके काबिल है, क्योंकि एबिलिटी टैलेंट अगर देखें तो संजू सैमसन से कोई किसी तरह से भी कमी नहीं है, लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कितने मैचेस और सेलेक्टर देना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि बड़े मैच का कोई प्लेयर नहीं होता लेकिन उसके लिए और अभ्यास की ज़रूरत होती है। यहाँ लग रहा है कि आज बहुत अच्छा किया कि रोहित खुद नंबर 3 पे आए और मौका दिया एक यंगस्टर को। चिंता की बात है रोहित की, चिंता की बात है शिखर धवन की, कि 2 खास प्लेयर जो हैं वो फिट नहीं है और कितना समय लेंगे, जितनी जल्दी से जल्दी फिट होकर वापस टीम में आएंगे टीम की स्ट्रेंथ बनी रहती है, बहुत ज़्यादा टीम में तब्दीलियां होनी भी टीम की हालत थोड़ी सी बिगड़ जाती है, तो इसलिए थोड़ा चिंता की बात है, चाहे चोट बड़ी है या छोटी, जैसे कुंतन कह रहे थे कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पता चलेगा या 1-2 दिन में हमारे न्यूज़पेपर जो वहाँ के हैं या हमारे साथी लोग हैं वो बता पाएंगे कि कितनी सीरियस इंजरी है। उम्मीद करते हैं कि ना हो, क्योंकि रोहित से बड़ा आज प्लेयर नहीं है कोई भी। जी आपको बता दें, सीधा ले चलते हैं, कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुंतल, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले अभी और कितने T20 मैचेस खेलेगी और कौन कौन से प्लेयर का क्या क्या अपडेट है इंजरी का? देखिए इसके आगे तो सारे खिलाड़ियों को खेलना है IPL, वो भले ही कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है लेकिन आप कह सकते कि IPL में जो खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे उनको तो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होगा ही, क्योंकि IPL में जो खिलाड़ी अच्छे खेल सकते हैं वो कोई भी T20 टूर्नामेंट में अच्छा खेल सकता है, क्योंकि सबसे कम्पिटिटिव क्रिकेट वहीं होना है। इसके आगे भारतीय टीम शायद खेल सकती है श्रीलंका में, अभी वो तय नहीं है लेकिन हो सकता है कि जुलाई अगस्त में भारतीय टीम खेल सकती है श्रीलंका के खिलाफ, और इसके आगे एशिया कप जो इस बार T20 फॉर्मेट में होने वाला है, और एशिया कप में भी भारतीय टीम को मौका मिलेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे टीमों के खिलाफ खेलने का। उसके आगे है T20 विश्व कप क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ वार्म अप गेम भी भारतीय टीम को मिल जाएगा T20 फॉर्मेट में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो करीबन आप मान लीजिए 10 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस और IPL का मैचेस मिलकर काफ़ी अच्छा T20 प्रैक्टिस तो मिल ही जाएगा खिलाड़ियों को। और आप जैसे कह रहे हैं कि इंजरी फिलहाल किस किस का है, शिखर धवन फिलहाल इंजर्ड तो है जैसे कि सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंजॉय कर रहे हैं, आज किस तरह का इंजरी अपडेट है आगे देखना होगा, विराट रोहित शर्मा का
और बॉलर्स का इंजरी तो ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि रोटेशन पॉलिसी भी इस्तेमाल करेंगे जरूर। विराट कोहली विश्व कप क्रिकेट से पहले गेंदबाजों को इनाफ रेस्ट देंगे और सही जो टीम है, सबसे बैलेंस जो टीम है, वही चुनेंगे T20 विश्व कप के लिए। कुछ ही देर पहले जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने कहा कि उनको विश्वास था कि ये मैच भी घूम सकता है, एक दो विकेट उनको अगर मिल गया, जब 48 गेंद पर 50 रन चाहिए था न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन इसके बावजूद भी एक विश्वास था, ऐसा ही कहा जसप्रीत बुमराह ने। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस का मैदान होता है यहाँ। भारत में जैसा होता है गोल मैदान होता है, राउंड शेप, यहाँ न्यूजीलैंड में एक एक मैदान एक एक अलग अलग डायमेंशंस का है, और ये मैदान में इस तरह का 5-0 से जीतना एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस था, खासकर गेंदबाजों के लिए, ऐसा ही कहा जसप्रीत बुमराह ने, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया जिनको। जी हाँ कुंतल, तो यहाँ कुंतल हमें जानकारी दे रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। उन्होंने 3 विकेट लिए, केवल 12 रन दिए, काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच चुना गया है। जसप्रीत बुमराह बेहतरीन गेंदबाजी, 3 विकेट उन्होंने लिए, सिर्फ 12 रन दिए अपने 4 ओवर में, और सबसे बड़ी बात की 3 अहम विकेट, और इसी वजह से उनको मिला है मैन ऑफ द मैच अवार्ड। कपिल पाजी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। पाजी, जसप्रीत बुमराह के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज था, एक इंजरी के बाद, एक लंबे चौड़े गैप के बाद जसप्रीत बुमराह वापस आए। जब आए तो लगा कि शायद वो उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, जो यॉर्कर्स वो लगातार मार रहे थे वो यॉर्कर्स शायद वो नहीं डाल पा रहे हैं, या अगर वो डाल भी पाते हैं तो शायद बल्लेबाज उनको पढ़ पा रहे हैं। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हम सबके लिए राहत की बात। देखिए, मैन ऑफ द मैच से नहीं है, कैसी उन्होंने गेंदबाजी की उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। कभी कभी आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आपको विकेट नहीं मिलती, लेकिन बुमराह का आपको आइडिया बहुत अच्छी आपने बात बोली, किसी भी फास्ट बॉलर की जब इंजरी से वापस आता है तो वो छोटी गेंद करते हुए तकलीफ नहीं होती, बाउंसर करते हुए नहीं, जब वो यॉर्कर से ही फेंक सकता है तो आप सोचिए कि उसकी इंजरी खत्म हो गई, क्योंकि यॉर्कर करने के लिए बाउंसर से भी ज़्यादा मेहनत लगती है या ज़्यादा ताकत लगती है। तो जब उन्होंने आखिर में आके यॉर्कर कर रहे थे तो ऐसा लगा कि उनके जहन में जो भ्रम था, जो डर था, वो निकल चुका है। 5 मैच खेलना बड़ा कहना आसान है, लेकिन गेंदबाज के लिए मुश्किल है, चाहे वो छोटा मैच क्यों ना हो। लेकिन बुमराह बहुत ही बड़े क्लास बॉलर हैं, आज दुनिया में उनसे बड़ा कोई गेंदबाज नहीं। जी हाँ, तो आपने सुना कपिल पाजी को जसप्रीत बुमराह के बारे में कहते हुए कि उनसे बढ़िया गेंदबाज जो है, कोई अच्छा गेंदबाज पूरे दुनिया में फिलहाल नहीं है। 5 मैच की सीरीज में 5 मैच न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। कपिल पाजी यहाँ पर मेरे साथ है, जसप्रीत बुमराह यहाँ पर मैन ऑफ द मैच है, लेकिन आज के मैच के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हुए, उनके इंजरी को लेकर क्या अपडेट है? सीधा पहले चलते हैं कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, क्या अपडेट मिल रहा है आपको रोहित शर्मा के बारे में? देखिए, केएल राहुल ने साफ साफ कह दिया है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि अगले 2 दिन के अंदर शायद रोहित शर्मा ठीक हो जाएंगे, उम्मीद यही है। उनका तो शायद रोहित से बात हुआ होगा उनका, या टीम फिजियो का अपडेट मिला होगा। तो केएल राहुल जो आज मैच में स्टैंड इन कैप्टन थे, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके साफ कह दिया वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने, और कह दिया कि अगले 2 दिन में उम्मीद यही है कि ठीक हो जाएंगे रोहित शर्मा और वनडे सीरीज जो है वो खेल पाएंगे। जी हाँ, 5 फरवरी को होगा पहला वनडे मुकाबला, जिसके लिए उम्मीद है सभी को कि रोहित शर्मा फिट हो जाएंगे। लेकिन पाजी, यहाँ पर सबसे पहले बात मैं करूंगा स्टैंड इन कैप्टन केएल राहुल की। टीम इंडिया के सबसे बड़े फाइंड बने हैं यहाँ पर केएल राहुल, क्योंकि अब वो किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी पोजीशन में या किसी भी कैपेसिटी में भी अब टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। एक स्ट्रेंथ है, अगर आप टेस्ट मैच भी खेल सकते हो, T20 भी खेल सकते हो, वनडे भी खेल सकते हो, और आपका अनुभव बढ़ता जा रहा है, और शायद ये नया साल उनके लिए बहुत बेहतर आया है। पिछले साल से आखिर में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, और उसके साथ अब जब भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे वो कीपिंग की हो या आज का कैप्टेंसी देखी, बहुत ही बढ़िया किया है। मज़ा आ रहा है देख के कि नए यूनिट के नए जो बच्चे हैं वो तैयार हो रहे हैं बड़ी जगह पे बैठने के लिए, तो इसलिए अच्छा लगा कि एक और प्लेयर उभर कर निकला। पर क्या केएल राहुल ही टीम इंडिया के विकेट कीपर बने रहेंगे? क्या आप संतुष्ट हैं कि ये बैलेंस टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतर है जब हम T20 विश्व कप खेलने जाएंगे? पर जी नहीं, मैं चाहता हूं कि जेन्युइन विकेट कीपर हो। अगर कोई किसी तरह से ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास एक राहुल जैसा विकेट कीपर है जो कर सकता है, लेकिन
अगर आपको बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, बड़ी क्रिकेट खेलनी है, तो आपका जेन्युइन विकेट कीपर होना बहुत जरूरी है। जेन्युइन विकेट कीपर यानी कि आप यहां पर ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं या एमएस धोनी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं किसी की बात कर रहा, वो सेलेक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उनको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन विकेट कीपर का होना, क्योंकि एक कैच एक स्टंपिंग के साथ पूरी गेम बदल सकती है। इसलिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं या कोई ऐसा अनुभव ट्राई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप की जब आपने बात की है तो मैं ये चाहूंगा, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन क्या सेलेक्टर और टीम मैनेजमेंट ये सोचती है कि हमें जेन्युइन कीपर लेना चाहिए? मुझे लगता है जेन्युइन विकेट कीपर होना चाहिए। यहां पर कपिल पाजी ने बात करी केएल राहुल की, इसके अलावा इस पूरे सीरीज में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में हमें यहां पर बात करनी चाहिए, जैसे कि मनीष पांडे। मनीष पांडे ने अपने आप ही एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 6 T20 में पाजी अभी तक मनीष पांडे आउट नहीं हुए, और सबसे अहम रिकॉर्ड ये कि पिछले 18 T20 मुकाबले जिसमें मनीष पांडे टीम इंडिया के लिए खेले हैं, टीम इंडिया कभी भी नहीं हारी। टीम इंडिया के लकी मैस्कट, लकी मैस्कट के बारे में आपसे मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन मनीष पांडे लकी मैस्कट के अलावा अपने आप एक जगह रखते हैं इस टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर में T20 में? देखिए, अगर आप, मैं ये नहीं मानता कि 18 मैच लगातार जीते हैं उससे होना चाहिए, क्या उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है वो देखिए, क्या पिछले 5 मैचेस में आउट नहीं होने, ये बड़ी बात है कि आपने एक आखिर तक रहने की। और दूसरा, अगर उनकी फिटनेस की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है, शायद सबसे फिट है, फील्डर बेहतरीन है। आपको ऐसा टीम मेंबर मिल जाता है जो किसी तरह से किसी चीज़ की कमी नहीं है, और साथ में अगर स्ट्रोक ऑफ लक भी लेके आते हैं तो सोने के ऊपर सुहागा। मैं यहां पर रिकॉर्ड्स की यहां पर बात कर रहा हूं, तो एक और रिकॉर्ड, लेकिन एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है शिवम दुबे ने। हार्दिक पांड्या की जगह शिवम दुबे को मौका मिला था अपने आप को बतौर ऑलराउंडर टीम में रहने के लिए, लेकिन शिवम दुबे ने एक ओवर में 34 रन दे दिए। सबसे ज्यादा रन युवराज सिंह ने मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को T20 में, 36 रन, लेकिन आज इंडिया के शिवम दुबे ने एक ओवर में 34 रन खा लिए। 17 रन रॉस टेलर ने बनाए, 17 रन टिम सर्फर्ट ने बनाए, एक ओवर में 34 रन दिए, और ऐसा लगा कि जो जीता जिताया मैच टीम इंडिया के लिए था वो शायद हार जाए, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया। पर पाजी, शिवम दुबे अब बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे। आई थिंक गेंदबाजी के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहता है, वो तो बाय द वे है। एक बल्लेबाज के हैसियत से आप खेल रहे हो और बॉलिंग कर सकते हो, या आप गेंदबाज हो और बल्लेबाजी कर सकते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बल्लेबाजी का कितना इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखेंगे। हाँ, अगर गेंदबाजी कर सकते हैं तो उसको आप बोनस ले सकते हो। मैं ये नहीं मानूंगा कि ऑलराउंडर आप जेन्युइनली कह सकते हो। बीच में 2 ओवर कप्तान को कराने हैं, कहीं किसी को तकलीफ हो तो बीच में आके कर सकते हैं, इसलिए वहाँ तक गेंदबाजी वो करें तो ठीक है, लेकिन मैं अभी उनको कहूँगा कि बहुत लंबा सफ़र तय करना है ऑलराउंडर के लिए, या अपने 4 ओवर पूरे कर सकते हैं। अगर वो 4 ओवर कर सकते हैं तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बल्लेबाजी में उनमें कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कपिल पाजी कह रहे हैं कि बहुत सारे यहां पर विकल्प हैं टीम इंडिया के पास, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो आए तो कभी भी आकर टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं। फिलहाल टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है, न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। आखिरी T20 भी भारत ने 7 रन से जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाजी आपका, कुंतल चक्रवर्ती आपका भी सारे अपडेट देने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।